नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं अपने रंग को निखारने की, अपने चेहरे पर कांति लाने की, अपने आप को खूबसूरत बनाने की, अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने की, वो भी अपने किचन में स्थित यानी कि हमारे घर में उपस्थित सामग्रियों के द्वारा। क्योंकि हम बाज़ारों से जो सामान उठाते हैं उनमें सबसे पहली जो बात आती है दवाइयों में कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन घरेलू जो दवाइयां होती हैं यानी कि जो औषधियां होती हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आपके चेहरे पर या फिर आपकी स्किन पर वर्क करती हैं और आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है। आपका चेहरा खिला खिला दिखता है, आप खूबसूरत दिखते हैं या दिखती हैं। गोरा दिखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि गोरे हम हों या ना हों बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी स्किन ग्लोइंग हो, उसमें चमक हो, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर बंदा या बंदी सांवली हो लेकिन उनका चेहरा जो है वो चमकता हुआ हो, ग्लोइंग हो, तो वो अलग से ही दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। आइए आज जो सबसे पहले आपको सामग्री लेनी है वो है आपके किचन से खीरे का जूस लेना है आपको, उसको आप फेस पर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। आलू का जूस निकाल लीजिए क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो फेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है दोस्तों कि आप फ्रेश जूस का ही इस्तेमाल करें, रखा हुआ बासी जूस ना इस्तेमाल करें। क्योंकि रखने पर आप जानते हैं कि आलू में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से वो जूस काला पड़ जाता है। इसके अलावा आप टमाटर का जूस निकाल लें और नींबू का जूस निकाल लें। इन सारे जूसों को यानी कि खीरे का जूस, आलू का जूस, टमाटर का जूस और नींबू का जूस, इन सारे जूसों को एक में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आप अपने फेस पर लगा दीजिए, आधे घंटे तक इसे छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए आराम से दोस्तों। अगर एक घंटे तक आप छोड़ पाएँ तो और बेहतर होगा। आप पूरी स्किन पर यानी कि पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, केवल फेस पर ही नहीं, जहाँ भी आपको टैनिंग की प्रॉब्लम हो या फिर अंडर आइज डार्कनेस की प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएँ हैं, झाइयाँ हो फेस पर या सनबर्न की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाती है स्किन से दोस्तों। क्योंकि हमारी स्किन इससे फ्रेश होकर के ग्लोइंग हो जाती है, चमकदार हो जाती है, फिर हम आकर्षक दिखते हैं दोस्तों। और हम कहीं भी हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर हम पार्टी में जाएं तो, इंटरव्यू में जाएं तो, किसी के भी सामने जाते हैं तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो उस बंदे पर हमारी स्किन यानी कि हमारी पर्सनैलिटी का फर्क पड़ता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और खूबसूरत दिखे। तो इसके लिए ये घरेलू उपाय है दोस्तों। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि कैसे बनाएं नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को खूबसूरत, इसलिए हमने आज ये टॉपिक टच किया दोस्तों आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।